दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे टू हैव। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरा चैनल सर्च करके माई ड्रीम माई थिंक सर्च करके स्पोकन का ऑल वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो हम हमेशा अपलोड कर सकूँ और ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है टॉपिक है यू या टू इंफिनिटी वी है। इसका पहला पॉइंट है क्रिया प्लस ना है, नी है, ने है या क्रिया प्लस ना पढ़ता है, नी पढ़ती है नी पढ़ते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि क्रिया क्रिया मीन्स कोई भी काम, जैसे कि खाना, पीना, दौड़ना, हंसना। और अगर किसी सेंटेंस के अंत में ना है, नी है, ने है या फिर क्रिया के बाद ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस हम बनाएंगे कैसे? तो देखते हैं इसका रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब भरवान है क्या? भरवान जैसे कि पढ़ना, रन, ये भरवान है। लिखना, राइट, भरवान है। तो जितना भी क्रिया है उसका जितना भी हम लोग इंग्लिश जानते हैं सब भरवान ही है। तो सिंपल सा भरवान हो जाएगा इसमें। आप देखते हैं है जो हैव का यूज कहाँ होता है। तो जैसे कि पहले नोट्स में हम लोग बताए थे यू जब इज एम आर वाज वेयर, उस समय जो है जो हैव यूज कर रहे थे उसमें भी बताए थे, या फिर अगर वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, और या फिर यहां से समझ सकते हैं कि है जो हैव का यूज कहां होता है। ही सी इट नाउ में हैज यूज होता है, और आई वी यू दे बॉयज एंड बॉय, इस सब में हैव यूज होगा। अब देखते हैं एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका यूज किस तरह होता है। जैसे कि राम को खाना है, या राम को खाना पड़ता है। इसमें से कोई अगर एक क्वेश्चन आएगा या फिर कोई एक सेंटेंस आएगा तो सिंपल से हम बात करेंगे राम को खाना है या राम को खाना पड़ता है। राम सब्जेक्ट है तो इसमें हो जाएगा राम, देन राम नाम है और नाम में हैज यूज होगा तो हम यूज करेंगे हैज टू, राम हैज टू, देन खाना तो हो जाएगा इट, राम हैज टू इट। अब देखते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल, मुझे टीवी
देखना पड़ता है या मुझे टीवी देखना है तो सिंपल सो जाएगा ये मुझे का आई देन आई के साथ हैव तो हो जाएगा हैव टू आई हैव टू देन टीवी देखना हो जाएगा इसका भर ठीक है देखना भर देन टीवी ऑब्जेक्ट तो देखना का वॉच एंड टीवी का टेलीविजन या टीवी लिखो आई हैव टू वॉच टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सीता को खाना पकानी पड़ती है सीता को खाना पकानी पड़ती है तो इसमें भी पड़ती है देन भाग के बाद आ रहा है तो सिंपल सा सीता है सब्जेक्ट तो सीता का सीता हो जाएगा नाम है इसीलिए हैज टू एंड देन इसका भर पकाना कुक एंड फूड। सीता हैज टू कुक फूड सीता को खाना पकानी पड़ती है।